वो गए मार्केट और कोई काम भी नहीं हुआ क्योंकि मेरा पैसा गुम हो गया। पता नहीं कौन ले लिया या फिर कहीं गिर गया, कुछ मालूम नहीं क्योंकि मैंने बैग में ही रखा था पैसा। मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, रोना आ रहा है हमको। मुझे तो लग रहा है मेरे बैग से कोई पैसा निकाला है क्योंकि गिरने का कोई जगह ही नहीं था कि वो गिर सके। तो पता नहीं अब कौन निकाला, मुझे नहीं पता, भगवान जाने। लेकिन जो भी किया है बहुत गलत किया है। मैं बहुत परेशान हुई हूँ, इतने धूप में मैं स्कूल से डायरेक्ट मार्केट गई कि मैं अपना काम कर लूँ, वापस से ना जाना पड़े। लेकिन जब मैं मार्केट गई और वहाँ जा कर के मैंने अपना बैग चेक किया तो उसमें पैसा नहीं था। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ मेरा। आज है फ्राइडे, अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। कल का तो बहुत ज़्यादा ही मूड ऑफ था मेरा, पैसा गुम हो गया। देखते हैं आज शायद मिल जाए। स्कूल में जाने के बाद मैं पता करूँगी कहीं वहाँ पे कोई तो नहीं लिया है। मुझे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि लिया है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करूँगी मैं, हाँ, ताकि मैं पैसे का मालूम चल जाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मैं पैसा गुम हुआ है तो। की छुट्टी हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ घर, और मेरा पैसा नहीं मिला। स्कूल में भी पता किए लेकिन नहीं मिला, अब वो पैसा मिलेगा भी नहीं। ये देखिए, ये हमारे यहाँ शादी विवाह में ज़रूर जाता है। हमारे यहाँ शादियों में कितनी भी महंगी गाड़ी आ जाए लेकिन लड़की की विदाई पहले इस डोली पे ही होती है, उसके बाद गाड़ी पे बैठती है, लेकिन थोड़े दूर इस डोली पे बैठती ज़रूर है। तो अच्छा लगता है ये सब देख कर के। अभी मैं घर पर आ गई, और घर पर आ कर के अभी घर का हाल देख के बहुत ही दिमाग ख़राब हो रहा है। मम्मी घर पे है नहीं, मम्मी गई है मामा गाँव, चली गई, मॉर्निंग में ही निकल गई। और पूरा रूम बिखरा हुआ है और मुझे लगना है काम में। और अभी तबीयत भी मेरी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन एक चीज़ अच्छा मम्मी करके गई है कि सुबह ही खाना बना के चली गई थी, तो अब खाना बनाने का टेंशन नहीं है, वरना स्कूल से आने के बाद मुझे खाना भी बनाना पड़ता। ये बहुत अच्छा काम करके गई है। बाकी ये सब तो मैं कर लूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करके भी कर लूँगी, जो भी फोल्ड करना है रखना है। शाम का टाइम और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ पापा के लिए, तो अभी मेरा नाश्ता बन रहा है, शाम का नाश्ता नॉर्मल सा। बहुत गर्मी है, किचन में खाने का मन ही नहीं कर रहा, और पता नहीं आज रात का डिनर बनाना पड़ेगा या फिर मम्मी अगर आ जाएंगी रात तक तो नहीं बनाएंगे, अगर मम्मी नहीं आएंगी रात तक तो रात का फिर डिनर बनाना पड़ेगा। और डिनर बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि इतनी गर्मी में किचन में जाना मेरे बस की बात नहीं है। तो अगर मम्मी नहीं आएंगी तो किचन में जाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा डिनर। आज का डिनर हम लोगों को ही बनाना पड़ रहा है इतनी गर्मी में। हम बना रहे हैं हम लोग दाल चावल सब्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। शॉर्टकट में बनाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। तो अभी मैंने दाल बिठा दिया है, दाल बन रहा है और चावल बन गया है, और दीदी सब्जी काट रही हैं, सब्जी कट जाएगा तो सब्जी बन जाएगा, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे सब लोग साथ में। यहाँ पे बन रहा है मेरा दाल, सब्जी भी कट चुकी है, चावल बन चुका है मेरा। अभी मैं जा रही हूँ दाल में तड़का लगाने, भागो भागो। जब खाना बना लिए तब मेरी माता श्री पधार रही है। इतना सारा पूरी, बड़ा वाला पूरी है, और सब्जी बुनिया, तो इतना सारा खाना मामा गांव से भी आ गया है, और हम लोगों ने भी डिनर बना दिया दाल चावल। तो दाल चावल हम लोग नहीं खाएंगे, हम और दीदी नहीं खाएंगे। दाल चावल जो बना है पापा और बाबू खाएंगे, हम लोग तो यही खाएंगे, मुंह में पानी आ रहा है। बड़ा वाला पूरी बहुत कम मिलता है इधर खाने को, तो सब गाँव में ज़्यादा बनता है बड़ा बड़ा पूरी, अच्छा लगता है। तो आज हम लोग डिनर में वही खाएँगे और मज़ा आएगा। हम लोगों ने अभी डिनर कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने, रात के 11 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। और आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।